हेलो गाइस, मैं हूं मिलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक सिंपल अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज, तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, ये रहेगा हमारी वेबसाइट का फर्स्ट लुक। इसमें टॉप के ऊपर हमने नेविगेशन बार बनाई हुई है जिसके ऊपर हमने ये होवर इफेक्ट ऐड कर रखा है। साथ में हमारा जो रजिस्टर वाला बटन है उसके ऊपर भी हमने एक अमेजिंग होवर इफेक्ट ऐड किया है। बीच में हमारा हेडर टेक्स्ट रहेगा और नीचे हमारा ये लिंक रहेगा। सो आज की इस वीडियो में हम ये वेबसाइट डिजाइन करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमने सिंपल सा HTML का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, साथ में थोड़ी बहुत बेसिक स्टाइलिंग हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखी है। तो चलिए बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले लगाते हैं हेडर टैग, आते हैं CSS वाले कोड में और यहाँ पे हेडर टैग को कर लेते हैं स्टाइल। हेडर की यहाँ पे मैं विड्थ सेट कर देता हूँ 100% की। देन यहाँ पे जो हाइट है उसको मैं सेट कर दूंगा 100 VH यानी व्यू पोर्ट हाइट। देन यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज सेट करूंगा, तो बैकग्राउंड URL से लगाते हैं इमेज और IMG फोल्डर में पड़ी है NBG.JPG नेम से हमारी बैकग्राउंड इमेज है और इसको बैकग्राउंड साइज सेट कर देंगे कवर। सेव करते हैं, चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या दिखाई देता है। कॉपी फाइल पाथ, ब्राउजर में आके नेक्स्ट टैब में कर लेते हैं इसको पेस्ट। सो ये देखिए बैकग्राउंड पे हमने इमेज सेट कर ली है। अब चलिए जो अपनी नेविगेशन बार है इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हेडर टैग के अंदर हमें एक नेव टैग लेना है और नेव टैग के अंदर हमें क्या करना है, 3 div लेने पड़ेंगे। देखिए फर्स्ट div के अंदर हमारा लोगो है, सेकंड div के अंदर हमारे मेन्यूज हैं और थर्ड div के अंदर हमारा ये रजिस्टर वाला बटन है। तो चलिए तीनों div ले लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला div लगाते हैं और इसकी मैं क्लास सेट कर दूंगा यहाँ पे लोगो, क्योंकि ये हमारे लोगो के लिए है और इसके अंदर लोगो लगा देते हैं। देन अगेन एक डिव क्रिएट करते हैं और इस डिव की क्लास सेट कर दूंगा मैं मेन्यू और इसके अंदर हमारे जो मेन्यूज हैं उनको क्रिएट कर लेते हैं। मेन्यू हम एंकर टैग से बनाते हैं, सेम एज इट इज़ बाकी के मेन्यू भी क्रिएट कर लेते हैं। सो सेकेंड डिव के अंदर हमने मेन्यूज क्रिएट कर लिए हैं और थर्ड डिव के अंदर हमें हमारा वो रजिस्टर वाला बटन चाहिए, तो इसकी क्लास सेट कर दूंगा मैं रजिस्टर और इसके अंदर अगेन एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं एंकर टैग से और यहाँ पे लिख देते हैं रजिस्टर। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं अपनी वाली फाइल को रिफ्रेश। तो ये देखिए मेन्यूज हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, अब इनको हमें स्टाइल करना है। तो अगेन आते हैं स्टाइल टैग के अंदर और यहाँ पे हम लेते हैं नेव टैग। सबसे पहले नेव की विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। विड्थ सेट करेंगे यहाँ पे 100% की। देन जो हाइट है उसको मैं सेट कर दूंगा 100 पिक्सल। यहाँ पे देखिए मैं एक बार बैकग्राउंड कलर लगा के आपको दिखा देता हूँ ताकि क्लियरली आपको पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं। तो बैकग्राउंड यहाँ पे मैं वाइट सेट करता हूँ और टेक्स्ट का जो कलर है उसको मैं एक बार ब्लैक सेट कर देता हूँ। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारा सारा टेक्स्ट है, नेविगेशन बार है। अब हमें इसको स्टाइल करना है। देखिए तो अप्लाई करूंगा डिस्प्ले एज ए फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड दे देते हैं और अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। सेव और रिफ्रेश, ये देखिए परफेक्टली एक लाइन में आ चुके हैं। अब हमारा जो लोगो वाला डिव है इसको स्टाइल करते हैं। स्टाइल करने से पहले मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली सेट कर देता हूँ हेडर के अंदर सेंस सेरिफ, ताकि टेक्स्ट सुंदर दिखे। सेव और रिफ्रेश, ये देखिए अभी टेक्स्ट अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से जो वाइट कलर है वो मैं वापस से रिमूव कर देता हूँ, ओनली मैंने आपको ये बताने के लिए अप्लाई किया था यहाँ पे। और जो टेक्स्ट का कलर है इसको मैं सेट करूँगा यहाँ पे वाइट। सेव रिफ्रेश, ये देखिए परफेक्टली इतना सेट है। अब जो हमारा ये लोगो है इसको स्टाइल करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लोगो को क्लास दी है लोगो, तो डॉट के साथ लगाते हैं लोगो और करते हैं इसको स्टाइल। यहाँ पे फॉन्ट साइज कर देते हैं 2EM की और जो लेटर स्पेसिंग है उसको भी सेट कर देते हैं 2 पिक्सल की। सेव करते हैं, अगेन करते हैं रिफ्रेश, ये देखिए लोगो हमने सेट कर लिया है। अब जो हमारे मेन्यूज हैं इनको स्टाइल करते हैं, आते हैं यहाँ पे देखिए जो क्लास हमने सेट करी है मेन्यू उसके अंदर जो हमारे एंकर टैग हैं उनको स्टाइल करते हैं। सबसे पहला काम होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना ताकि अंडरलाइन रिमूव हो जाए। कलर है उसको मैं सेट करूंगा वाइट। पैडिंग ऐड कर देंगे इसमें टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखें मेन्यूज हमने इतने सेट कर लिए हैं। चलिए इनकी फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं 20 पिक्सल की। सेव रिफ्रेश, सो ये परफेक्टली हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी और इसमें चेंजेस करना है, उसके पहले जो रजिस्टर वाला बटन है इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे क्लास दी थी रजिस्टर और रजिस्टर के अंदर जो एंकर टैग है सेम स्टाइलिंग हम इसके अंदर भी अप्लाई
कर देते हैं। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। साथ में इसके अंदर मैं बैकग्राउंड भी अप्लाई करूँगा, तो बैकग्राउंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा इंडियन रेड कलर। सेव, रिफ्रेश। तो ये देखिए इतना हमने सेट कर लिया। इसकी बॉर्डर राउंडेड चाहिए तो यहाँ पे हम सेट कर देंगे बॉर्डर रेडियस और उसकी वैल्यू सेट कर देंगे 8 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश। तो ये देखिए इतना हमने परफेक्टली सेट कर लिया है। अब देखिए इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपको एक लाइट ब्लैक कलर का इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा ओवरले, जो हमारी वाले में नहीं डिस्प्ले हो रहा है। तो क्या करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है ओवरले क्रिएट करना। हमें हेडर में आना है जहाँ पे हमने बैकग्राउंड सेट किया है। इसके जस्ट पहले मुझे लीनियर डैश ग्रेडियंट ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट के अंदर मुझे वैल्यू सेट कर देनी है, यानी कलर अप्लाई कर देना है। तो लाइट ब्लैक कलर का कोड होता है ये और अल्फा वैल्यू सेट कर देंगे 0.8, सेम एज इट इज। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हमें 2 कलर्स कम से कम अप्लाई करने पड़ते हैं। यहाँ पे इसकी अल्फा वैल्यू 0.2 सेट कर दूंगा और यहाँ पे कॉमा से सेपरेट कर देंगे। बस इतना काम हमें कर देना है। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए सेम इफेक्ट हमने हमारी वाली वेबसाइट में भी अप्लाई कर दिया है। अब हमें जो हमारा हेडर टेक्स्ट है उसको क्रिएट करना है और साथ में जो हमारा ये इफेक्ट है मेन्यू बार पे उसको क्रिएट करना है। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं पहले हेडर टेक्स्ट। सो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग ली है, एक लिंक ली है और साथ में एक छोटा सा स्पैन टैग लिया है। तो इसको सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। देखिए ओ सॉरी, हमें अपने वाले पेज को रिफ्रेश करना है। तो ये देखिए यहाँ पे अपनी लिंक वगैरह आ चुकी है। अब देखिए ये जो सेक्शन हमने लिया है इसको एक यहाँ पे एक क्लास अप्लाई कर देते हैं हेडर टेक्स्ट, और ताकि हमें स्टाइल करने में आसानी रहेगी। अब आते हैं टॉप पे और करते हैं इसको स्टाइल। देखिए जो क्लास हमने दी है HTXT, इसकी मैक्स विड्थ सेट कर देते हैं 650 पिक्सल की। इसकी पोजीशन सेट करेंगे एब्सोल्यूट, बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो टॉप से देंगे 50% का मार्जिन, देन लेफ्ट से भी दे देंगे 50% का मार्जिन। अब इसको एकदम परफेक्टली सेंटर में लेके आने के लिए हमें इसका ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट सेट करना पड़ेगा -50% कॉमा -50%। सेव करते हैं, अगेन आते हैं ब्राउजर पर, करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए परफेक्टली यहाँ पे आ चुका है सेंटर में। अब इसका जो टेक्स्ट लाइन है उसको भी सेंटर कर देते हैं। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेव, रिफ्रेश। देखिए बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। इसका जो कलर है वो मैं वाइट सेट कर देता हूँ ताकि क्लियरली आपको शो हो जाए। सेव, रिफ्रेश। ये देखिए परफेक्टली इतना हमने सेंटर में इसको ले लिया है। अब स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो आपका स्पैन टैग है इसको स्टाइल करते हैं। एच टेक्स्ट के अंदर जो अपना स्पैन टैग है हमें क्या करना है, बस लेटर स्पेसिंग ऐड कर देनी है 5 पिक्सल की। सेव, रिफ्रेश। ये देखिए अब जो हमारी हेडिंग है इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो देखिए जो एच टेक्स्ट के अंदर आपका H1 है हमें उसमें फॉन्ट साइज सेट कर देनी है 3.5 em की। सेव, रिफ्रेश। ये देखिए परफेक्टली हमने इतना सेट कर लिया। अब जो हमारी ये लिंक है इसको स्टाइल करना है तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला काम होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना और साथ में ही बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे इंडियन रेड, और जो टेक्स्ट का कलर है उसको सेट कर देंगे वाइट। इसमें पैडिंग ऐड करेंगे टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। साथ में ही लेटर स्पेसिंग ऐड कर देंगे 5 पिक्सल की। सेव, रिफ्रेश। तो ये देखिए बटन भी हमने सेट कर लिया है। अब हमें क्रिएट करना है हमारा ये हॉवर इफेक्ट जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो सेम हमें अपने वाले में भी क्रिएट कर लेना है ये होवर इफेक्ट। तो देखिए आते हैं एडिटर में जहाँ पे हमने ये मेन्यूज क्रिएट किए हैं टॉप पे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंकर का बिफोर क्रिएट करूँगा। एंकर टैग का जो बिफोर हम बनाएंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होता है कंटेंट, और कंटेंट को छोड़ देंगे ब्लैंक, और इसकी पोजिशन यहाँ पे हम सेट कर देंगे रिलेटिव, और यहाँ पे इसकी पोजिशन सेट करेंगे एब्सोल्यूट, और ये टॉप से कर देंगे 0, लेफ्ट से भी कर देंगे इसको 0 पे सेट। देन देखिए जो विड्थ है उसको मैं सेट करता हूँ एक बार 100% आपको दिखाने के लिए, और जो हाइट है उसको भी सेट कर देंगे 100%। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं इंडियन रेड। सेव और रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पे आपको
दिखाई दे रहा होगा ये बिफोर, लेकिन हमें ये पूरा नहीं चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर की जगह मैं क्या अप्लाई करूँगा, बॉर्डर बॉटम, सेव रिफ्रेश। सो ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर सबको दिखाई दे रही है, लेकिन ये हमें होवर पे दिखाई देनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो इसकी विड्थ है इस विड्थ को मैं कर दूंगा 0% और होवर पे इस विड्थ को कर दूंगा 100%। लेकिन ये स्मूथली आनी चाहिए, इसके लिए ट्रांजिशन भी ऐड करनी पड़ेगी 0.4 सेकेंड की लीनियर। अभी देखिए होवर बनाते हैं, मेन्यू के अंदर जो एंकर टैग है उस पर जब होगा होवर तो होना क्या चाहिए, जो इसका बिफोर है उसकी विड्थ हो जाए 90%। चलो 90 कर देते हैं, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए अभी जैसे ही होवर करेंगे हमारा इफेक्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब सेम क्या करते हैं, जो रजिस्टर वाला ऑप्शन है इसका भी होवर बना देते हैं, जहाँ पे हमने ये रजिस्टर वाली लिंक बनाई है ये देखिए इसके ऊपर होवर क्रिएट करते हैं। तो बहुत सिंपल है इसका होवर बनाना, यहाँ पे देखना कॉपी कर लिया है मैंने इसको, पेस्ट करते हैं। जब कोई भी करेगा इसके ऊपर होवर तो होना क्या चाहिए, इसका जो बैकग्राउंड है वो हो जाए ट्रांसपेरेंट, इसकी बॉर्डर है वो हो जाए 1 पिक्सल सॉलिड इंडियन रेड, और ये भी स्मूथली होना चाहिए। तो इसके अंदर भी हम क्या कर देंगे, ट्रांजिशन सेट कर देंगे 0.4 सेकेंड का, सेव रिफ्रेश। देखिए जैसे करते हैं होवर, ये देखिए एकदम स्मूथली दिखाई दे रहा है। सेम इफेक्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं, तो क्या करना है बस इसी को कर लेते हैं कंप्लीट, यहाँ से कॉपी नीचे आते हैं यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, और ये जो एच टेक्स्ट के अंदर ए है इसको कॉपी करते हैं और रजिस्टर में जो ए है इसकी जगह पे कर लेते हैं पेस्ट, सेव करते हैं और यहाँ पे भी ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं इसके अंदर भी ताकि स्मूथली रहे 0.4 सेकेंड का, सेव रिफ्रेश। अब देखिए जैसे ही करते हैं होवर यहाँ पे भी हमें सेम इफेक्ट दिखाई दे रहा है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।